बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ीफ़र अकवार। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ जलेबी, वो भी क्रिस्पी, और वो भी हम घर में किस तरीके से बनाएं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसके लिए आपको मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखनी होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ऐसी कौन सी गलती है जो अगर कुछ लोग घर में बनाना चाहते हैं जलेबी, तो उनसे वो गलती हो जाती है, तो उनसे वो जलेबी बिल्कुल भी बाज़ार जैसी नहीं बनती। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी होगी, शुरू से एंड तक देखनी होगी। तो और व्यूअर्स, ये देखें, देखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट भी है, क्रिस्पी भी है। अंदर से ये सॉफ्ट है और बाहर से ये क्रिस्पी है। तो आप मेरा तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं उम्मीद करती हूँ आपकी भी सेम इसी तरह की ही जलेबी बनेगी। और ये देखिए कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी है और कितनी ज़्यादा ये जूसी है। तो अब हम चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जलेबी को बनाने से पहले हम तैयार करेंगे शीरा। एक खाली पैन में 1 कप शुगर डालेंगे और 1/2 कप इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी की तादाद शुगर से कम होनी चाहिए। उसके बबाद हम इसमें डालेंगे 4 से 5 इलायचियाँ। आप इसको इलायचियों को ऐसे भी डाल सकते हैं और पाउडर बनाकर भी आप डाल सकते हैं। इसके नीचे आंच जो है हम मीडियम रखेंगे, ना ही हाई और ना ही लो। और ये देखें इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। हम इसके अंदर चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये जो शुगर इसके अंदर हमने डाली है वो अच्छे तरीके से हल हो जाए। जब भी आपने जलेबी बनानी हो, सबसे पहले आपने शीरा बनाकर रख लेना है। शीरा हमने इसलिए सबसे पहले बना लेना है क्योंकि हमें शीरा ठंडा चाहिए, गरम शीरे में हम जलेबियां नहीं डालेंगे वरना वो ख़राब हो जाएंगी। तो जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो जाए फिर हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे। हमें ना ही 1 तार वाला चाहिए और ना ही 2 तार वाला चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि जब हम हाथ के साथ उसको चेक करें तो ऐसे थोड़ा ऑयली ऑयली फील हो। तो हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे, 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। मज़ीद हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। अब भी बस थोड़ी देर तक हमारा शीरा बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये देखें, देखने में भी लग रहा है कि हमें ये जो शीरा है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम चलते हैं बैटर बनाने के लिए जलेबी का। तो उसके लिए 2 कप मैदा चाहिए। मैदे को अच्छे तरीके से हम छान लेंगे, छाने बगैर आपने मैदा यूज़ नहीं करना। तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी आपने एक साथ ही नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे हम और इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। अगर हम एक साथ ही डाल देंगे तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा और फिर ये जलेबी तब भी बिल्कुल ठीक नहीं बनेगी। थोड़ा थोड़ा डाल डाल के हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने एक साथ बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड नहीं किया। इस तरह ये है कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितना जो है ना पानी और ऐड करेंगे तो हमारा बैटर जो है ना रेडी हो जाएगा। बैटर को इतने अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है कि इसमें कोई भी गुठली नहीं रहे। तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल जो है 1/2 कप इसके अंदर हम, छोटा 1/2 कप जो है वो डालेंगे। पाव जो है ना मैदा, उसके लिए 1/2 कप ऑयल काफ़ी है। तो ऑयल आपने बहुत ज़्यादा लाजमी है कि आपने ऑयल डालना है। अगर आपके पास ऑयल नहीं तो आप घी भी डाल सकते हैं। घी को आप गर्म करके उसको ठंडा करके फिर इसके अंदर आप ऐड करें। तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे फूड कलर। अगर फूड कलर ना हो तो आप इसके अंदर हल्दी भी ऐड कर सकते हैं।
तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना ज़्यादा तेज़ कलर पसंद करते हैं जलेबी का, या तो अगर आप कलर बिल्कुल भी नहीं चाहते कलर वाली बनाना तो आप सिंपल भी इसके अंदर बस ऑयल ऐड करें और कलर ऐड नहीं करें। तो जब आप इसको फ्राई करेंगे ऑयल में तो ये इसका भी तब भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर आ जाता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, देखें बैटर में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है। इसके बाद इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालूँगी एक चुटकी और इसको तब भी अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लूँगी। और आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है कि बैटर जो है उसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं हों। इतने अपने अच्छे तरीके से इसको जो है ना मिक्स करना है। फिर इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो उसके बाद हम जो है ना जलेबी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जलेबी बनाने के लिए ये मैंने तो ली है जैम वाली बॉटल। आपके पास अगर जैम वाली बॉटल नहीं है तो आप ऑयल वाला जो पैकेट होता है आप उसके अंदर भी बैटर को डाल के तो आप बना सकते हैं, और या आप दूसरा जो शॉपर होता है तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद ऑयल को हमने इतना गर्म कर लेना है कि जब हम बैटर डालें तो वो ऊपर आ जाए, जैसे कि अभी आपने देखा है कि वो बैटर जो है ना ऊपर आ गया है। बहुत ज़्यादा तेज़ आपने ऑयल गर्म नहीं करना, बस इतना ही गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं जलेबी को। वो डिपेंड करता है कि आपकी किस शेप की बनाना चाहते हैं, गोलाई में या किस शेप की, वो आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है। आप देखें जिस तरीके से मैं हाथ को मूव करती जा रही हूँ सेम वैसी ही उसकी जो है ना शेप बनती जा रही है, उसकी शेप जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रही। तो ये जो है मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि ये जलेबी किस तरीके से ठीक बनती है। तो ये जब हम ऑयल डालते हैं ये उसकी वजह से जो है ना इतनी परफेक्ट बन रही है कि हम जो भी शेप बना रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। तो ऑयल इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कम ऑयल डालेंगे या ऑयल डालेंगे ही नहीं तो आपकी जलेबी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखें अब मैंने बना लिया है। अब इसको जो है मैं इसकी साइड जो है चेंज करूँगी तब जब ये जलेबियाँ ऊपर आ जाएंगी। अभी देखें आपने कि वो काफ़ी हद तक जो है ना जलेबियों पर आना स्टार्ट हो गई हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। सारी जलेबियों की मैंने साइड जो है ना चेंज कर लेनी है। तो जब आपने एक साइड चेंज कर लेनी है तो तब आपने, अगर तो आप सॉफ्ट खाना चाह रहे हैं तो 1 मिनट के लिए इसको पकाएं ऑयल में, और अगर आप क्रिस्पी खाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 2 मिनट के लिए फ्राई जलेबी को करें। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं या कि सॉफ्ट। लेकिन इसके लिए ये है कि आप ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब हम इसको शीरे के अंदर डालेंगे तो तब भी ये सॉफ्ट हो जाती है। तो आपने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जो है ना इसको नहीं निकाल लेना, थोड़ा सा आपने इसको क्रिस्पी कर लेना है। तो फिर आपने इसको निकालना है, शीरे के अंदर डालना है। तो मुझे क्योंकि क्रिस्पी पसंद है इसीलिए मैं ज़रा इसको ज़रा क्रिस्पी करूँगी। तो क्रिस्पी मैं इतना करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है, इसीलिए मैं इतना इसको क्रिस्पी करूँगी कि इसका जो है ज़रा कलर चेंज हो जाए। तो जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसको निकालूँगी। तो ये जो है अब मैं इसको निकाल लूँगी। देखें अब इसका पहले की निस्बत कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसको निकालूँगी और सारी जलेबियों को निकाल के इसका ऑयल जो है थोड़ा जो है अच्छे तरीके से इसको निकाल लेंगे ऑयल को, और फिर मैं डालूँगी इसको शीरे के अंदर। यह है शीरा जो कि अब ठंडा हो गया है, इसके अंदर डालूँगी उन जलेबियों को। तो इसको जो है आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी जलेबियाँ बनानी हैं उस मकदार में ही आपने शीरा को तैयार करना है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर डिप हो जाए। तो इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए डिप करके रखना है जलेबियों को, और वो डिप करके मैंने रख दी हैं। तो अब फिर और जलेबियों को सेम इसी तरीके से बनाएंगे।
ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देना, वरना जब आप जलेबी को बनाएंगे तो आपको वो बिल्कुल भी शेप नज़र नहीं आएगी आपने किस तरीके से बनाना है। इसीलिए आप जो है जब शीरे में डालने लगे जलेबियों को तो आप आंच नीचे हल्की कर दें, मीडियम आंच पे ही हमने इसको बनाना है, वरना ये होगा कि ज़्यादा गर्म ऑयल में ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना जल्दी क्रिस्पी हो जाएगी। तो अगर आप सॉफ्ट खाना चाहेंगे तो ये वैसी नहीं बनेगी। तो ये देखें कितना जो है परफेक्ट इसकी शेप बन रही है। ये डिपेंड करता है, आप अगर चाहते हैं नाम लिखना अपना, या कुछ गोलाई में पसंद करते हैं, कुछ जैसे कि आपने बाज़ार में जलेबी देखी होगी उस शेप में तैयार करना चाहते हैं, तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस शेप की बनाना चाह रहे हैं। लेकिन आप जब अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप जो भी शेप बनाना चाहेंगे ये वैसी ही बनेगी। तो इसी तरह हम जलेबियों को भी साइड चेंज कर लेंगे, तो इसको भी मैं सेम इसी तरीके से ही क्रिस्पी कर लूँगी, तो फिर ही मैं इसको निकालूँगी। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तो अब मैं इसको निकाल के इनको भी जो है मैं शीरे के अंदर डाल दूँगी। आप चाहें तो इससे भी जो है क्रिस्पी कर सकते हैं या इसे सॉफ्ट कर सकते हैं। तो अब इसको भी जो है मैंने शीरे के अंदर डाल देना है, पहले वाली को जो था मैंने निकाल लिया था, तो अब इसको भी डाल देंगे। अगर आप चाहें तो आप शीरे में ही खाली कलर ऐड कर लें, आप जलेबी में कलर नहीं डालें जब आप बैटर बनाएं। तो अगर आप चाहें ज़्यादा कलर तो फिर आप जलेबी के बैटर में भी डाल लें और आप शीरे में भी डाल लें। तो हम इस तरीके से इसका साइड चेंज करते जाएंगे। तो ये जो शीरा है, ये जो शुगर सिरप है, ये बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और ये देखें कितनी हद तक ये जो है फूल गई है, ये देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है इसके अंदर बिल्कुल। अगर तो आप ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं जलेबियाँ, तो आपका इरादा है कि आप थोड़ी देर बाद भी खाएंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए कि जब आप ये तैयार करें शीरा तो इसके अंदर आप लाजमी लेमन डाल लें, उससे यह है ये क्रिस्टलाइज नहीं होती। यह अगर आप जलेबी को रख भी देंगे तो इसके अंदर जो है ना शुगर जलेबी के अंदर क्रिस्टलाइज नहीं होगी। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हाफ़ लेमन जो है वो इसके अंदर जब शीरा तैयार करें तो लाजमी ऐड कर लें। तो अब हम चलते हैं जलेबी की फ़ाइनल लुक की तरफ। ये देखें मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक, ये देखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है जलेबी। इसके अंदर जो है शीरा बहुत हद तक अंदर चला गया है, ये बहुत ही ज़्यादा जूसी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन आप ये काम ज़रूर कीजिएगा कि आपने मेरे ही तरीके से बनानी है, फिर इंशाल्लाह देखिएगा कि आप जो भी शेप बनाना चाहेंगे जलेबी की वैसी ही बनेगी। बस आपने इसके अंदर ऑयल जो है वो लाजमी डालना है, वरना आपकी जो है रेसिपी बिल्कुल भी सही शेप की नहीं बनेगी। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरी हौसला अफजाई होगी। आपका प्यार जो है वो इसी से शो होता है कि आप वीडियो को कितना पसंद करते हैं, कि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और आप भी ट्राई करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी जलेबी वाली रेसिपी कैसी बनी है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।